फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा, वेलकम बैक टू द माय चैनल इजी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ घर पे लॉरियल हेयर स्पा और ये है मेरे फ्रीजी डैंड्रफ वाले हेयर। इस पे मैं हेयर स्पा करने वाली हूँ। आप देख सकते हो अभी कितने फ्रीजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है और वो है लॉरियल का प्रोफेशनल हेयर स्पा डीप नरिशिंग क्रीम बाथ, और इसके साथ साथ एक लिक्विड है, उसका है हाइड्रेटिंग कॉन्टेंटर फॉर ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्कैल्प के लिए। और हम लेंगे वाइट क्रीम फॉर्म में जो ये प्रोडक्ट है उसको हम लेंगे 2 टीस्पून के आसपास, और ये अंदाज़ा ही ले रही हूँ मैं क्योंकि हमारे हेयर के लेंथ के हिसाब से हम अंदाज़ निकाल के ले सकते हो। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें कंटेंटर, और वो भी कितना, आधे से भी थोड़ा सा कम डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोडक्ट हमने क्रीम प्रोडक्ट जो है वो हमने बहुत ही कम क्वान्टिटी में ली है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हेयर स्पा गीले बालों में ही करना है, यानी कि हेयर वॉश करने के बाद तुरंत ही इसमें आप कर सकते हो गीले बालों में, तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से, जो कि हमने दो प्रोडक्ट लिए वो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो पहन सकते हो, नहीं है तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है इसलिए मैं पहन रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने हेयर को वॉश कर लिया है। इसके बाद बड़े से कॉम्ब से मैं इसको मैनेज कर रही हूँ हेयर को, और इसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जिससे मेरा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से और स्मूथ हो और हेयर स्पा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सेक्शन डिवाइस कर लीजिए। इसके बाद मैं इस तरीके से लगाती हूँ, आपको जैसे मर्जी चाहे लगा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, छोटे छोटे सेक्शन डिवाइस कीजिए, बहुत ही छोटे, क्योंकि आपको खुद से ही करने हैं, तो थोड़े इस तरीके से ही आपको सेक्शन डिवाइस करने हैं छोटे छोटे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, गीले बालों में ही लगाना है। और फ्रेंड्स, इस तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद आपको फिंगर की हेल्प से इसी मूवमेंट में आपको वर्क करना है, पूरे बालों में ऐसा ही करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाइएगा ना कम लगाइएगा, जितनी बालों में ज़रूरत है वो एब्जॉर्ब करता है या सेट करता है उतने ही प्रोडक्ट आप लगाइएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको स्कैल्प में बिल्कुल नहीं लगाना है, स्कैल्प से थोड़ा सा दूर लगाइएगा। और इस तरीके से सेक्शन डिवाइस करने के बाद ऐसे तरीके से एप्लीकेशन अच्छे से सेट कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी लगे तो सॉरी, क्योंकि ज़्यादा स्किप नहीं किया है मैंने वीडियो में, पूरा वीडियो शूट किया है मैंने और थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में रखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है किसी जिसको पता नहीं है हेयर स्पा कैसे करते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पूरा वीडियो देखे अच्छे से, जिससे उसका भी अच्छे से नॉलेज बढ़े और उसको पता चले कि इस तरीके से एप्लीकेशन होता है पूरे हेयर में। नहीं तो मैं आधा अधूरा बताऊंगी तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं पूरा दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हो, आपको देखना है। आधे बाल हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो बन है उसमें से मैं आधे बालों को सेक्शन डिवाइस करने के बाद इसमें भी वही एप्लीकेशन दोबारा से करूंगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट कम है, आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो चुकी है, तो आप दोबारा से उसको बनाइए और इस तरीके से ही जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही उतने प्रोडक्ट आप दोबारा से बना कर लगा सकते हो, और अच्छे से मिक्स करना है और स्कैल्प में लगना नहीं चाहिए फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स जो भी बचे हुए हेयर है उसको अलग अलग सेक्शन डिवाइड करते हुए मैं इस तरीके से एप्लीकेशन कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके बाल वो जो बचे हैं लास्ट में काम करना है जिस हेयर पे वो सूख चुके हैं, तो उसको अलग से फिर से आप इसको पानी से स्प्रे करते हुए आप इसको थोड़ा सा गीला कीजिएगा, इसके बाद एप्लीकेशन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स देख सकते हो पूरे बालों में लगा है लेकिन स्कैल्प में मेरा प्रोडक्ट नहीं लगा है। इसी तरीके से आपको लगाना है और इसके साथ साथ हमें करना है स्कैल्प में मसाज अच्छे से फिंगर की हेल्प से, बहुत ही अच्छे से मसाज कीजिए और प्रेशर दे के भी कर सकते हो हल्के हाथों से, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। मैं जो स्टेप बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको अलग से आपके स्टेप के हिसाब से करना है तो भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन ये स्टेप है जो प्रोफेशनल लोग करते हैं वैसे ही मैंने इसको किया है, तो आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। हेयर मसाज करने के बाद हमें करना है हेयर स्टीम और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेस हेयर स्टीमर, और इसको मैंने पहले मसाज करते वक्त ही मैंने ऑन कर दिया था और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से स्टीम देता है। अगर आपको नहीं दिखता तो मैं इसके अलग से वीडियो दिखाऊंगी आपको बनाकर, और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे यूज़फुल है फेस के लिए भी और हेयर के लिए भी, आप इस टू इन वन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गीला टॉवल यूज़ कर सकते हो, यानी कि मोटा सा जो टॉवल आता है उसको गर्म पानी में डिप कीजिए, इसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ के वो आपके बालों में इससे लगा दीजिए, जैसे हम हेयर वॉश करते हैं तब यूज़ करते हैं वैसे ही। और इसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिए, इसको मैंने 15 मिनट तक मैंने स्टीम दिया था, इसके बाद मैंने हेयर को वॉश कर लिया है ओनली शैम्पू से। और इसके बाद आप देख सकते हो ये है मेरे हेयर जो हेयर स्पा करने के बाद दिख रहे हैं और वो गीले थे, ये अब सूख चुके हैं और देख सकते हो आप अभी भी इसमें थोड़ी सी नमी है, लेकिन बहुत ही अच्छे से इसका रिजल्ट आया है। और हेयर जो मैंने हेयर कलर किया हुआ है थोड़ा सा हाईलाइट, वो भी बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, कोई डैमेज नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से लग रहा है और बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो चुके हैं। गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाय।